केएमसी कैंसर संस्थान, केएमसी हेल्थ सिटी, बागपत रोड, मेरठ, उत्तरी भारत का आधुनिकतम एवं अत्यंत सुरक्षित रोबोटिक रेडियोथेरेपी वाइटल बीम, जो साइबर नाइफ की तुलना में एकदम सही व सुरक्षित है। रैपिड आर्क से सुसज्जित संस्थान 24/7 हर प्रकार के कैंसर के ऑपरेशन, क्यूमोथेरेपी और प्रत्येक प्रकार की रेडियोथेरेपी व रेडियो सर्जरी उपलब्ध है। कैंसर को पहचानने के लिए आधुनिकतम पैट सिटी उचित शुल्क पर उपलब्ध है। मेरठ के रोहटा रोड स्थित कॉलोनी में ओयो होटल की आड़ में हो रहे देह व्यापार व अय्याशी का विरोध करते हुए आज क्षेत्रीय नागरिकों ने डीएम कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में पहुंची महिलाओं ने कहा कि छोटे से इलाके में इन 8 ओयो होटल में चल रही गतिविधियों का असर इलाके पर पड़ रहा है। बीते दिवस भी रोहटा रोड स्थित विष्णुपुरम कॉलोनी में ओयो का विरोध करते हुए हंगामा हुआ था। होटल मालिकों ने क्षेत्रीय लोगों से हाथापाई भी की थी। लोगों का आरोप है कि पुलिस इस मामले में चुप्पी साधे बैठी है। प्रदर्शन में शामिल महिलाओं ने इन होटलों के बंद न होने पर आत्मदाह की भी चेतावनी दी है। पहले देखिए बीते दिवस हुआ हंगामा। अंदर बैठो, हम अपनी लहरे आओ, अंदर बैठो, हम अपनी लड़कियों की हक लगाएंगे। क्या बात हुई, क्या बात? इन्होंने धंधा रंडी पैसा खोल रखा होटलों में, इनसे पूछो। ठीक है, और ये हमारे घर में, हम गए रिपोर्ट करने के लिए, हम गए, हम लोग वहाँ गए, मेरी छोटी सिस्टर, घर में 4 हमारे बच्चे, हमने सभी ने, इन्होंने लेडीज होटल वालों ने मिलकर यहाँ पे धरना दिया था, वो होटलों के खिलाफ उस टाइम आए थे। तो हम लोग तो सभी जाके अभी सभी जो पुलिस वालों की सहमति से जाके चौकी में डिटेल रिपोर्ट दे रहे थे, अपनी रिपोर्ट नोट करा रहे थे। इतने में ये होटल वाले मालिक सभी इकट्ठे होकर आए, गाली गलौज करने लगे। हमारी औरत ने ऑब्जेक्शन किया कि भैया गाड़ी मोदो, तुम आगे चले जाओ। तो औरत का हाथ पकड़ा, किसने, पुलिस वाले किसने का? पुलिस वाले को तो हम अपनी रिपोर्ट नोट करा रहे थे। अच्छा, हम तो सभी इकट्ठे होकर चौकी में थे। तो हमारे पास फोन पहुंचा घर से कि यहाँ पे कुछ लोग खड़े होकर गाड़ी दे रहे हैं, और अगर मैं मना कर रही हूँ तो दरवाजा खोल कर मना किया, तो उसका हाथ पकड़ा, उसके साथ बदतमीजी की, उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करी। एक आदमी ने, उन्होंने किस आदमी ने? ये सचिन है जी, राजने का। हाँ जी, आप उसके में जा रहे हैं, सचिन त्यागी और इंद्र पाल। पुलिस द्वारा सहयोग क्या मिला आपको? पुलिस वालों को सहयोग मिला था। पुलिस वाले बोल रहे थे ठीक है, हम आपकी रिपोर्ट आगे पहुंचाओगे, प्रशासन को भी लिख के देंगे। ठीक है, अभी फिलहाल जो आज आपके आसपास जो है ओयो हुई होटल है, उनकी उनके ऊपर क्या कार्रवाई है? ओयो होटल अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। नहीं, जैसे आपके आपके घर के पास में मिला है, नहीं जैसे आपके घर के पास में ओयो है, तो किस तरह की हरकत है, क्या करते हैं? हरकत इनकी जी इतनी असली हरकत है, मैं बच्चों के सामने, छोटे छोटे बच्चों के सामने बोल भी नहीं सकता। यहाँ पे नाबालिग लड़की आती है, यहाँ पे 40-40 साल का आदमी ले ले जाते हैं, उनको एक घंटे में वापस हो जाते हैं। लड़की बाहर खोज ली, होने से बाहर वो अगर ना और भागते तो ये मार देते उस लड़की को। ये 4-5 जनों ने लेकर के, हमारा विवाद ये है कि ये होटलों के ऊपर, होटलों के बाहर लड़के आते हैं, सिट्टी बजाते हैं और बुलाते हैं इशारे कर करके। हमें इस चीज को ऑब्जेक्शन है, उस चीज पे जिनका ये होटल है, ये ऑब्जेक्शन इस चीज पे उठा रहे हैं। हम थाने में रिपोर्ट करने के लिए गए तो ये हमारे घर में बढ़ करके इन्होंने हमारे घर में लेडीजों के साथ बदतमीजी करी, 1 साल की लड़की बाहर खींच ली और उन्होंने हमारी सेवा करी उसके साथ में। अच्छा। इस चीज की पुलिस वालों से गवा के हम वहाँ पे थे, ये है बात। अब क्या हो? मैंने इनसे ये कहा, ये मुझे ये पहचान के बता दे कि दीदी, मैंने, मुझे नाम नहीं पता, मैंने कहा तू ये उधर से आ रहा कि मुझे तू सिकल से पहचान बता दे, हम रिपोर्ट करेंगे। हम इसे बुला रहे हो, जा नहीं रहा, वहाँ पुलिस वाले वहाँ खड़े हुए हैं, पुलिस वालों के पास में वो जा नहीं रहा है, तो उल्टे ये हो करके। आज इन होटलों में चल रही अनैतिक गतिविधियों का विरोध करते हुए पहुंची सरिता ने यह जानकारी firstbite.tv को दी। नाम मेरा सरिता है। सरिता जी, हमारे इसमें सारे पूरी ही इस रोड पर होटल चले हुए हैं ओयो, हमारे पास में भी कम से कम ये 7-8 ओयो हैं। इनमें बाहर की लड़कियां सप्लाई होती है, सुबह से लेकर सांझ तक कितनी आती है और कितनी जाती है। बाहर होकर के लड़के खड़े होकर सिट्टी बजाते हैं, लड़कियों को झोली दे दे करके बुलाते हैं, तो ये वाला हमारे बच्चे घर से बाहर नहीं निकल सकते। ये हमारे साथ सबसे बड़ी दिक्कत है और ये ओयो बंद होने चाहिए, जहाँ इनके कहीं बाहर निकालो इन्हें उसका लोनी से। थाने गई आप? हाँ जी, पुलिस गई थी वहाँ। हाँ जी, क्या कार्रवाई हुई है? वो अभी कुछ नहीं हुआ, उन्होंने कहा कि हाँ जी SDM के वहाँ जाकर के, वहाँ जाकर बात करो, वहाँ पे जाकर एप्लीकेशन लगाओ। पुलिस क्या कार्रवाई नहीं कर, क्यों कार्रवाई नहीं कर रही? अभी कुछ नहीं करी है कुछ भी। DM के वहाँ पे हम इन्हें बंद करवाने के लिए जा रहे हैं। किसके यहाँ जा रहे हैं? DM के पास में। भारतीय किसान यूनियन महिला विंग की जिलाध्यक्ष गीता चौधरी ने यह कहा।
मैं भारतीय किसान यूनियन से महिला जिला अध्यक्ष गीता चौधरी, और हम आए हैं रोहटा रोड विष्णुपुरम कॉलोनी में। आवे धंधा चल रहा है ओयो का, वे घर की थोड़ी थोड़ी दूरियों पे दो तीन ओयो खुल रहे हैं, वहाँ लड़कियां सप्लाई होती हैं, और जो घर की महिलाएं हैं हमारे बच्चे हैं उन पर गलत असर पड़ता है, और वो घर से निकलती हैं तो वो झोली देके उन्हें बुलाते हैं, वहाँ पे लड़के आते हैं और वहाँ उन्होंने पूरा गंदा धंधा कर रखा है, वो धंधा बंद होना चाहिए वहाँ से, बिल्कुल बंद। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए firstbite.tv। नमस्कार। वर्तमान अकेडमी एंड इंग्लिश मीडियम को एजुकेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्लासेस फ्रॉम नर्सरी टू 12th, स्मार्ट क्लासरूम्स, वाईफाई कंप्यूटर लैब, एडवांस्ड मैथ्स एंड साइंस लैब्स, वेल स्टॉक्ड लाइब्रेरी, बेस्ट एनवायरनमेंट फॉर गेम्स, योगा एंड म्यूजिक। वर्तमान अकेडमी, रेलवे रोड, मेरठ।